उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने जा रहे सपा नेता अमित चौबे, गंगाराम यादव, संजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम के पहले पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आज 11 बजे बीजेपी की जनविश्वास यात्रा महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा के जयपुरिया इंटर कॉलेज के मिनी स्टेडियम में पहुंची, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। हम लोग, हमारा पहले से कार्यक्रम था, कुली में चौपाल लगा था, ऐरोली में, बबनी में, कई जगह चौपाल लगा था। लेकिन जब जब पता नहीं क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब आते हैं तो समाजवादी उसको डर क्यों लगता है। मैं अपने आवास से निकलना था, पूरी फोर्स लगा के रात से ही मेरे आवास पर पहरा लगा दिया गया था, और छतरी चौराहे पर जैसे पहुंचे हैं तो कई थानों के फोर्स लगा के मेरी गाड़ी को रोका गया। मैंने कहा रूटीन चेकअप होगा, उन्होंने कहा नहीं आपको मेरे साथ चलना। हमने क्यों आपके साथ चलना है? उन्होंने कहा नहीं, आदेश आया आपको नहीं जाना है। हमने कहा भाई अमित चौबे से आके क्या दिक्कत है, ना हम आपका विरोध कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। और जबरन पुलिस ने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। और जब जब कोई बीजेपी का बड़ा नेता आता है, पता नहीं उनको समाजवादियों से क्यों डर लगता है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और विपक्ष को ये सरकार रोकना चाहती है पुलिस के बल पे, जिसकी वानगी हुई है कि आज सीएम साहब अभी आए भी नहीं है, उसके पहले मुझे घर से उठा लिया जाता है। रात में कई थानों फोर्स लगा के, इससे पहले योगी जी आए थे भुजबंगंज में तो मुझे उठा लिया, रात में उठा लिया गया था। केशव मौर्य आए तो उठा लिया गया था। क्या विपक्ष एकदम इनके खिलाफ ना बोले? विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को न्याय जो आज बताओ, योगी आने से पहले फरंदा कस्बे में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।